ये देखो फ्रेंड्स, ये ना मैंने रात को मलाई जमाई थी अपनी, क्योंकि ना मलाई 15 दिन की कम से कम हो गई थी, 15 से 20 दिन की है ये। रात को मैंने ये जमा के रख दी थी, तो यहाँ पर नीचे भी खूब गर्म डाला था और ऊपर से मैंने इसको अपने सोल से गर्म से ढक के रख दिया था। और रात में ना ब्लोड चलता है तो गर्मी से ये जम गई है, वरना तो ना बिल्कुल भी नहीं मलाई जम रही है, घी नहीं आता है बिल्कुल भी। सर्दी में घी निकालना बहुत ज़्यादा मेरे लिए तो भी मुश्किल है, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा वो नहीं हूँ। और जो मतलब वैसे भी गर्मी से ही जमती है, मतलब मलाई हो दही हो वो गर्मी से ही जमती है, तो मैंने इसको पूरा कवर करके रख दिया था और ये अच्छी तरह से जम गई है। अब मैं इसे चलाऊंगी बिजली वाली मशीन से, इकट्ठी एक साथ चल जाएंगे, तो इसमें देखते हैं आज कितना सारा माखन निकलता है। और आज मैं इसका घी बनाने वाली हूँ, क्योंकि ना फ्रिज में रखे रखे बहुत दिन हो गया और बिल्कुल पानी सी हो जाती है मलाई, बिल्कुल भी नहीं जमती। तो बस अभी खाना पीना मेरा तो हो गया है, इन सबका नहीं हुआ। आज मैंने जल्दी खा लिया, नहावा के बाद में धूप ना आज बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप सबको भी दिखाती हूँ, दिखाई दे चलो एक बार में ना, और बहुत ज़्यादा अच्छी धूप निकल रही है। ये देखो कितना अच्छा दिन है ना आज का, पूरा मतलब आज बिल्कुल भी मतलब ठंड तो है, लेकिन दोपहर में जो धूप निकल जाती है ना तो बिल्कुल अच्छा सा लगता है। तो अभी मैं हो जाती हूँ रेडी थोड़ा सा, फिर ये मलाई चलाने का काम करेंगे, ठीक है। हम कहीं जा रहे हैं घूमने, आज हमें वाली जीती है 500 का। 500 का कितने आए? 10 रुपए दिखे हैं। इन्होंने कहाँ गया वो बिस्किट का रैपर? इस वाले रैपर से इन्होंने जो है इसमें कोड आया था, हाइडन कोड इन्होंने डलवाया, इनको मिल गया। क्या मिल गया? सैमसंग का फोन मिलेगा अभी तो। कहाँ मिलेगा सैमसंग का फोन? दो मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेगा। देख दे पैसे पैसे बता देना पापा को, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी शाम का टाइम है और अभी ये लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, और मम्मी जा रही है दूध लेने के लिए। वो बोरिंग से काम, अभी हम गाड़ी चला, बोरिंग से काम दूध नहीं पिएगा ना। अभी मैं गाड़ी चला के आई थी आज 6-7 दिन के बाद में, क्योंकि आज ना दिन अच्छा था। दे आंख बंद कर रहा, बुखार आ हाजम होला। मम्मी आज तुमने कितने की स्पीड पे चलाई थी? आज मैंने 40 की। तुमने 80 की पे चला? वहाँ ज्यादा जगह नहीं है ना 80 की पे, तेरे पापा पहले डर जा, जैसे मेरी स्पीड बढ़ाया तेरे पापा तो हमारा डब्बा रेडी है, हम चल रहे हैं दूध लेने, निकाल ले कपड़े। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं तो चली गई थी दूध लेने के लिए और बच्चे और हस्बैंड चले गए थे बाहर घूमने के लिए। इन्हें आने में कम से कम 2 घंटे लग गए और 2 घंटे तक मैं पूरा बोर हो गई, क्योंकि मेरे पे ना अकेला बिल्कुल भी नहीं रुका जाता है, मतलब मेरा मन नहीं लगता है। तो अभी ये आए हैं और लेकर के आए हैं पिज्जा, तो आ जाइए आप सब भी खाइए। ये पूछ रही है इतनी देर में कहाँ से आए तीनों? मतलब तीनों चले जाओ, हम यहाँ बैठे रहे पागलों की तरह। तो कोई नहीं यार, अभी दोनों बच्चे ही तो गए थे साथ में, दोनों का अभी जो मतलब ये थी जिद, ये देखो इन्हें दोनों को पिज्जा खाना था, सारा कुछ खिलाने के बाद में फरमाइश बात की है, ये बोल रहे हैं मम्मी के लिए पिज्जा लेके जाना है। चलो भाई पिज्जा भी लेके चलेंगे। मैंने तुमसे तो भाई ये वाला पिज्जा लेके आए, देखो ये अभी जो मतलब अच्छा है, अभी बढ़िया है एकदम। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो वीडियो था जब मैंने पिज्जा खाया था अपने अरब की जिद पर, मेरा अरब जिद करके लेकर के आया था, तो फिर ये वाला वीडियो ना मेरा 4-5 दिन पहला है, और जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये वीडियो मेरा 2 दिन पहला है। तो आज ना बहुत ज़्यादा मतलब ठंड बहुत ज़्यादा है, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि मतलब बादल बादल सा हो रहा, पूरा वो धूप भी नहीं है आज। तो मैंने बाल वगैरह धुले हैं, क्योंकि बाल ना मेरे तो जब 2-3 दिन हो जाते हैं ना, मैं हफ्ते में 2 या 3 बार बाल धोती हूँ, तो मतलब अजीब सी खुजली सी होने लगती है मेरे सिर में अगर मैं हफ्ते में 2-3 बार बाल ना धुलूँ तो। तो फिर मैंने आज बाल धुल लिए हैं, लेकिन ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा है आज। और अभी आजकल मौसम का हो रहा ना, धूप तो निकलते लेकिन हवा इतनी तेज़ चल रही है ना, जब से ये बारिश और कहीं कहीं को ओले जो पड़े हैं, बर्फ़ पड़ी हुई है, इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, और थोड़ा सा नज़ला उज़ला भी मुझे हो गया है, मेरी आवाज़ भी आप लोगों को अजीब सी लग रही होगी।
तो बस फटाफट से मैं लगा रही थी थोड़ी सी, मैंने कहा वैसलीन लगा लूँ, लेकिन ये वैसलीन ना ख़त्म हो चुकी है, पूरा सीजन निकल गया है, इसको हस्बैंड लगाते हैं, मैं तो कभी कभार ही हाथों पर लगा लेती हूँ, क्योंकि हाथों पर लगाने का हमारा लेडीज़ों का कोई फ़ायदा होता ही नहीं, मेरा तो होता ही नहीं, क्योंकि बार बार पानी में हाथ जाता ही रहता है, तो फिर कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन नहा के एक आध बार मैं लगा लेती हूँ, और उसके बाद गीले वालों में ही लगा लूँगी सिंदूर। अभी सर्दी सर्दी में ना मैं सूखा सिंदूर लगाती हूँ, और जब गर्मी आती है तो फिर लिक्विड वाला लगाती हूँ, तो बस गीले में लगा लूँगी, नहीं तो ये फैलता नहीं है, अच्छे से सेट हो जाता है। और आज मैंने महरूम वाला सिंदूर लगाया है। तो अभी शाम का टाइम है और हमने बनाई है अपनी चाय, और चाय के साथ मैं खा रही हूँ थोड़ा सा फ़ैन, क्योंकि मुझे लगी है भूख, और चाय पीते पीते थोड़ा सा काम भी कर रही हूँ अपना, यूट्यूब का जो मतलब वीडियो वगैरह देखना होता है वो सब भी मेरा चल रहा है। आज मैं चाय के साथ खा रही हूँ फैन, क्योंकि मुझे लगी है भूख। अब फैन मैंने गर्म गर्म खा लिया, मेरी जीभ जल गई, इसके चक्कर में जली जी मेरी रुमाल रुमाल ले। तो देखिए फ्रेंड्स, चाय वगैरह पीने के बाद मैं थोड़ा सा मतलब वैसा फ़ोन का काम करने के बाद में मैं आ गई हूँ सीधा किचन में। और मुझे लगता है ना फ्रेंड्स, सुबह का हो या शाम का हो, मतलब घर के काम उतने ही रहते हैं, इतने ही तो सुबह को रहते हैं, इतने ही शाम को रहते हैं, बस पोछा वगैरह जो होता है, नहाना धोना, वो नहीं होता है शाम को, बाकी सारा काम मतलब इतना ही होता है, जितना बिजी शेड्यूल हमारा सुबह सुबह में रहता है ना, ऐसे ही शाम को। तो मैंने ना दोपहर के बर्तन भी नहीं धुले थे, क्योंकि कोई खाना किसी टाइम खाता है, बच्चे किसी टाइम खाते हैं, हम किसी टाइम खाते हैं, तो इस तरह से ही चलता रहता है। और बाकी जब मैं खाना बनाती हूँ ना, तो जब भी जो बर्तन होते रहते हैं मैं उनको धुलती रहती हूँ, और फिर जो बाद में खाना वगैरह खाया जाता है वो वाले बर्तन, और फिर शाम की चाय के बर्तन में इकट्ठे धुलती हूँ, क्योंकि सर्दी में मतलब बार बार पानी में हाथ धोने का भी मन बिल्कुल नहीं करता है। तो इसी तरह से जो है बहुत सारे बर्तन आपको लग रहे होंगे, और बच्चों के टिफ़िन वगैरह भी मैं इसी टाइम साफ करूँगी। और मैंने ना चावल बनाए थे दोपहर को, तो बहुत कम खाना खाया था इन लोगों ने, तो मतलब ये मैं अभी निकाल कर रख दूँगी, और इनका देखूँगी क्या करना है, अभी बनाना है कुछ या फिर सुबह को ये यूज होने वाले हैं। तो मैं बर्तन सारे खाली कर करके जो बर्तन धुल दूँगी, क्योंकि अभी हमारे घर में इस टाइम मतलब नाम मात्र को ही खाना बनेगा, बाकी तो नहीं बनेगा, क्योंकि शाम के टाइम ना बहुत कम खाना हमारे घर में बनता है। तो बस उसी हिसाब से मैं बनाऊंगी। सबसे पहले मैंने सोचा चलिए किचन साफ करूंगी, बाद में तो जो बर्तन होंगे वो बाद का देखा जाएगा। और अभी साथ साथ मैं कर दूंगी दूध भी गर्म, क्योंकि फिर ना खड़े होकर दूध करते हैं तो फिर मतलब टाइम बेकार ही जाता है, मुझे तो ऐसा लगता है। तो इसीलिए मैं अपना दूध जो है गर्म इसी टाइम करती हूँ, कि एक तरफ दूध गर्म होता रहता है और मैं बर्तन धुलती रहती हूँ, तो एक साथ मेरे दो काम हो जाते हैं। और इधर मैंने बच्चे भी बैठाए हुए हैं पढ़ने, तो बीच बीच में इन्हें भी देखना होता है, क्योंकि ये पढ़ते कम हैं और आपस में मतलब बातें और लड़ना वड़ना इनका ये ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए बीच बीच में इनको भी देखना है और मेरे काम भी सब होते रहेंगे। तो बस शाम का टाइम कुछ ऐसा ही रहता है। और बर्तन वगैरह धुलने के बाद में, पूरी किचन क्लीन करने के बाद में, मैंने कर दिया यहाँ पर पूजा शाम की, क्योंकि शाम की पूजा करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस आज ना फ्रेंड्स मैं कपूर जलाऊंगी, मैंने कई दिन से मतलब कपूर नहीं जलाया है, पहले तो डेली जला देती थी, और लेकिन अभी मैं जब याद आ जाती है तो जला देती हूँ, नहीं तो नहीं, कुछ ऐसा ही रहता है। और कपूर मैं इसमें जलाऊंगी, कपूरदानी में मतलब दिए वगैरह में जलाते हैं ना, तो वो जल्दी जल जाती है, इसमें मैं पिलक लगा दूँगी तो इसमें धीरे धीरे जलती है, और पूरे कमरे में खुशबू हो जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी वो लगती है। तो बस फ्रेंड्स, कुछ इसी तरह से बीता मेरा आज का दिन, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। अच्छा लगा है वीडियो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना। तो बस अभी कपूर की खुशबू लूँगी, जब ये जलनी शुरू हो जाती है ना, जब ये मतलब प्लेट इसकी गर्म सी हो जाती है, तो ये धीरे 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 करके पिघलती है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए जल्दी ही मिलूँगी आप सबसे फिर से न्यू वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखना। बाय फ्रेंड्स।